अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, ठंड के तो मज़े उब आ रहे होंगे आप लोगों को भी। भाई इधर भी बहुत शदीद ठंड है। वैसे तो कहते हैं कि हमारे घर में इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं होती है, मतलब जब कोई बाहर से आता है ना तो उसे ऐसे ही लगता है कि हमारा घर ना बहुत अच्छा है, वार्म वार्म है, कूजी कूजी सा लगता है ना। खैर, घर तो सभी का ही अच्छा होता है, सबको अपना घर बहुत अच्छा लगता है। घर जैसी जन्नत कहीं भी नहीं लगती किसी को भी। देखे ना, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, फाइव स्टार होटल में जाके हम लोग नाइट स्पेंड करें और जब हम घर आते हैं ना नेक्स्ट डे, तो भाई घर में जो अपने बेड पे मजा है ना, मुझे तो वो कहीं भी नहीं है। मैं तो इतना सुकून फील करती हूँ अपने घर में, अपने बेड पे। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा आराम इंसान ना अपने घर में कर सकता है, कहीं भी जाके बंदा कम्फर्ट नहीं होता है। खैर, हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो चले मैं जल्दी से आपको उबली हुई सेवइयों की रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले तो उबली हुई सेवइयां अगर आपने बनानी है ना, तो वो आपने लेनी है बेक पॉलर की। बेक पॉलर से अच्छी सेवइयां आई थिंक पाकिस्तान में कोई नहीं है। इससे पहले थी वो पोलका की थी, उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद ना मुझे बेक पॉलर की सेवइयां बहुत अच्छी लगती हैं। बेक पॉलर की मैक्रोनीज भी बहुत अच्छी हैं, मतलब इनकी सभी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। तो बेक पॉलर वालों की फ्री में प्रमोशन हो रही है। खैर, बेक पॉलर वालों, अगर आप मेरी वीडियो देख लो तो मजीद प्रमोशन करवाना चाहते हो तो आप मुझे कह सकते हो। ये देखें जी, सेवइयों को मैंने इस तरह बॉयल किया, पानी को अच्छी तरह गर्म कर लिया था। बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब ये आ गया था तो तब मैंने इसमें सेवइयां ऐड कर दी थी। पानी ये मैंने फुल सॉस पैन ले लिया था और उसमें ये बड़े वाला पैकेट मैंने सेवइयों का ऐड कर दिया था। 3 से 5 मिनट में हमारी सेवइयां रेडी हो जाती हैं और इनमें मुसलसल हमें चम्मच हिलाना होता है, नहीं तो ये जुड़ जाती हैं। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन करने के फौरन बाद इसे दोबारा से ना हमने इसमें पतीली में नहीं डालना होता, सॉस पैन में नहीं डालना होता, क्योंकि अगर हम फौरन बाद डाल दें तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं इसे 5 मिनट तक छोड़ देती हूँ इसी तरह। उसके बाद मैं दोबारा से सॉस पैन में ऐड कर लेती हूँ, या घी आजकल जमा हुआ होता है, पहले घी को मेल्ट कर लेती हूँ तो फिर सेवइयों को दोबारा से सॉस पैन में ऐड कर लेती हूँ। अक्सर इस तरह भी करती हूँ, डायरेक्ट मैं ना बास्केट में से ही प्लेट में उन्हें डे लेती हूँ और घी ऊपर डालना हो, बादाम डालना हो, जिस जिसने जो जो डालना हो वो डाल के खा लेता है। या सी शक्कर और बादाम डाल के खाते हैं, जबकि हम लोग ना बाकी मतलब बच्चे और मैं चीनी डाल के खाते हैं और इतना मज़ा आता है ना। कुछ लोगों को ये उबली हुई सेवइयां नहीं पसंद होती हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत पसंद है। मतलब भूख लगी हो जल्दी जल्दी से 2 मिनट में बनाओ और खा लो। और वैसे भी अब मैंने खाना नहीं बनाना था क्योंकि यासिर ने ना कजन्स के साथ बाहर जाना था खाना खाने, और जब यासिर ने जाना हो बाहर तो बस मुझे मौका मिल जाता है भाई मैंने खाना नहीं बनाना। काम चोरी करती हूँ ना, तो बस देख लें, जब दिल नहीं जाना तो नहीं बनाना। तो इसलिए आप खुद ही सोच लें कि जब हमने आराम करना होता है ना तो हम अपने घर में सबसे ज़्यादा आराम कर सकते हैं। तो वैसे भी मुझे अब अपने चैनल का थोड़ा होता है कि चलो मैं ईजिली वॉइस ओवर कर लूँगी, अपने चैनल का थोड़ा काम कर लूँगी। इस वजह से जब मैंने खाना नहीं बनाना होता या घर का कोई काम नहीं करना होता तो मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। यहाँ देखें जी, सेवइयों पे बादाम डल गए हैं और अब आई थिंक यासिर ने भी आज चीनी डाल के खाई थी क्योंकि शक्कर कम थी, शक्कर ख़त्म होने वाली है हमारी, तो ख़त्म होने वाली है, अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन यासिर ने फिर भी चीनी डाल दी थी। जारी बात है ख़त्म होनी है, तो फिर मैंने यासिर को कहना है अभी लेके आए आप। तो उन्होंने ये कि चलो जार में पड़ी है पड़ी रे, मैं नहीं खाता। मजाक कर रही हूँ भाई, पता नहीं क्यों इनका जी चाह रहा था चीनी वाली सेवइयां खाने को, तो बस इन्होंने खा ली और फिर इन्होंने जाना था। और जाने से पहले हमारे लिए शवरमा लेके दे गए थे और ओपन शवरमा एक ही हमने मंगवा लिया था एक्स्ट्रा सॉस के साथ, तो बस एक्स्ट्रा ब्रेड भी साथ मंगा ली थी, यही हम लोगों ने खा लिया था और साथ में कोला नेक्स्ट पी ली थी। भाई ये कैसे हो सकता है, फास्ट फूड और मेरे बच्चों का नवाला विदाउट कोल्ड ड्रिंक गुजर जाए। जनाब दोबारा से कोल्ड ड्रिंक्स में आने लग गई है हमारे घर, कोक और पेप्सी भी। शवरमा मंगवाते हुए मैंने यासिर को कहा था आप कैप्टन का शवरमा लाइएगा, बंजूसा का नहीं लाइएगा, तो यासिर को ऐसा लगा कि चैंपियन का खाया, तो वो शवरमा ले आए थे, वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे ना, मैंने मतलब बस टेस्ट ही किया था, वो नहीं खाया था। फिर मैंने यासिर को कॉल की, मुझे तो अभी भी भूख लगी हुई है, कहते हैं क्या खाना है बता दो। मैंने कहा मेरे लिए ना ट्राई फ्राई के फ्राइज ले आए विदाउट मसाला, आप सिंपल फ्राइज लाए, मैं उन पर नमक मिर्च लगा के खाती हूँ ना, तो बस यासिर ये ले आए थे साथ में। आयरा ने चाय बना ली थी तो फ्राइज के साथ हम लोगों ने चाय पी ली थी। और ये देखे आयशा किस तरह से टिश्यू से प्लेट साफ करी, आजकल ना प्लेट्स बार बार साफ करके यूज करनी पड़ती हैं क्योंकि इतनी ज्यादा फॉगी हुई होती है ना, इतनी ज्यादा स्टीम बन जाती है किचन में, तो जो बर्तन बाहर पड़े होते हैं ना स्टैंड पे तो वो इस तरह से हो जाते हैं, इस पे इतनी ज्यादा बबल्स बने होते हैं पानी के, तो मैं भी प्लेट्स इस तरह टिश्यू से साफ करके यूज करती हूँ। फिर आयशा देखती है ना वो भी इसी तरह करती है। बस जी फिर फ्राइज खाई आयरा ने ना मुझे इस पे नमक मिर्च स्प्रिंकल कर दी थी, जिस तरह से वो मुझे फ्राइज बना के ऊपर स्प्रिंकल करके देती होती है ना उस तरह से इन फ्राइज पे कर दी थी और साथ में फॉक दे दिया था।
और साथ में जी जनाब मैंने चाय पी ली थी। अब जी सोने की बजाय ना एनर्जी आ गई थी, और वैसे भी मैं चाह रही थी थोड़ा सा ना काम था किचन में, क्योंकि नीट एंड क्लीन किचन हो तो अच्छा लगता है, मतलब मॉर्निंग टाइम जब नाश्ता बनाना होता है। तो बस मैं किचन में आ गई थी, ये स्टोव साफ होने वाला था और साइड्स पे ये जो सारी स्टिक्स गिरी होती हैं, इस तरह से ना मैंने छोटा सा जार रखा होता है इधर साइड पे, ये माचिस की स्टिक्स के लिए ना, तो वो भी वॉश किया हुआ था, वो भी रखना था। ये देखें ये भी रख दिया, बस इतना सा ही काम था। बर्तन तो मैं धो के गई थी, पहले भी ज्यादा बर्तन भी नहीं थे क्योंकि खाना तो बनाया नहीं हुआ था। जब खाना खुद से बनाए ना, कुकिंग करें, तब ज्यादा मैस होता है किचन में। जब बाहर से कुछ मंगा के खाएं तो फिर बिल्कुल भी बर्तन ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये अर्ली मॉर्निंग है, मोहम्मद कासिम ने सबसे पहले स्कूल जाना होता है क्योंकि उसका रिक्शा आना होता है, बहुत अर्ली भी नहीं है, आजकल तो 9 बजे रिक्शा आ रहा है, लेकिन ठंड की वजह से तो वो बहुत ज्यादा अर्ली लगता है ना। तो मोहम्मद कासिम पराठा खाता नहीं, और ये देखें जी उसकी रोटी कैसे फूल रही थी, और बड़े कहते होते हैं जिसकी रोटी फूलती है उसे भूख बहुत ज्यादा लगी होती है। हालांकि मैं कहती हूँ आटा अच्छा सा गूंदा हो ना तो बहुत अच्छी रोटी फूलती है, बहुत अच्छी रोटी बनती है, नरम नरम सी, मतलब जब मैं आटा अच्छा गूंदती हूँ ना तब मेरी ऐसी फूली फूली सी रोटियां बनती हैं। और ये देखें मेरा तवा कितना खराब हो रहा है, इंशाल्लाह ग्रोसरी करेंगे ना, ये चीज अब जाएंगे, इम्तियाज जाएंगे, तो इस दफा इंशाल्लाह हम लोग तवा भी लाएंगे। तो बस मोहम्मद कासिम को इस तरह से मैं देसी घी लगा देती हूँ रोटी पे, और देसी घी में स्क्रैम्बल मिक्स एग बना देती हूँ, क्योंकि इतनी खुश्क रोटी तो खाई नहीं जाती, पता नहीं ये कैसे खा लेता है। मैं ऐसे कहती होती हूँ मोहम्मद कासिम आप पराठा खाया करो, तो कहते हैं मम्मा बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, मेरे से नहीं खाया जाता। मैं तो फिर भी वीक में एक दिन पराठा खा लेती हूँ, मोहम्मद कासिम महीने में एक दिन सिर्फ पराठा खाता है, इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है पराठा। और वैसे ये ब्रेड एग शौक से खा लेता है या खुश्क रोटी के साथ एग खा लेता है, तो अगर ब्रेड नहीं हो ना तो तब खुश्क रोटी के साथ अंडा खाता है, अगर ब्रेड हो तो फिर उसने अंडा ब्रेड ही खाना होता है। और आयरेजा के लिए भी मैंने यही नाश्ता बना लिया था, वो भी कहती है मम्मा आप इसी तरह हमें भी बना दें। मोहम्मद कासिम खा रहा था तो तब आयरेजा तैयार होना शुरू हुई थी स्कूल के लिए, तो फिर मैंने उनके लिए भी बना लिया था। चलें जनाब यहाँ तक वीडियो देख लिया तो अब लाइक मस्ट है, जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर लें, और अगर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको बेल नजर आ रही है ना उसे भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो देख लें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी मेरे चैनल को शेयर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। ये देखें जी मोहम्मद कासिम इतनी ठंड में कैसे तैयार हो रहा है, सॉक्स इसने यूनिफॉर्म के नहीं पहने थे क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, आप बेशक यूनिफॉर्म में आए या जैसे भी कॉस्ट्यूम में आप चाहते हैं वैसे ही आए, लेकिन हो विंटर कॉस्ट्यूम ही। तो बस ये लोग चले गए थे नाश्ता वाश्ता करके, उसके बाद नाश्ता चल रहा है मेरा और यासिर का, यहाँ बेड पे मैं ले आई थी। ये देखें जी ये वही आलू पालक का सालन है जो मैं आपको बता रही थी ना, यासिर कह रहे थे कि अगर बचेगा तो मुझे नेक्स्ट डे भी नाश्ते में यही देना, तो बस एक स्क्रैम्बल मिक्स एग बना लिया था मैंने, साथ में ये सालन और मेरी सूखी रोटी है, और यासिर के लिए पराठा है, आयशा के लिए मैं फीडर बना ली थी। और ये डिनर हमारा चचा की तरफ था, चचा ने आज इन्वाइट किया हुआ था, इन्वाइट क्या करना है, बस कह रहे थे कि आप आना हम इकट्ठे खाना खाएंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको बुलाएं तो तभी आप आते हैं। खैर हम लोग फिर डिनर टाइम उधर चले गए थे, और ये इतना क्यूट सा बच्चा जो आपने देखा है ये चचा का पोता है माशाल्लाह, हसन का बेटा है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डिनर में ये मटर पुलाव था बहुत मजे का, साथ में शोरबे वाला चिकन था, बहुत मजे का लगता है वो पुलाव के साथ ना, और बहुत मजा आया भी था, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा करे। साथ में थे आलू के कटलेट्स, वो चची बहुत मजे के बनाती हैं, आई थिंक चची को ही उसकी रेसिपी पता है, और कोई शायद वैसे कटलेट्स नहीं बना सकता। और आप देख रहे हैं मैं उन्हीं कपड़ों में चली गई जो मैंने लास्ट डे भी पहने हुए थे, व्यूवर्स मैं कुछ इसी तरह हूँ ना, और स्पेशली इतनी ठंड में तो कपड़े चेंज करो और फिर जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, इस वजह से जिस तरह से हम लोग घर में बैठे हुए थे उसी तरह चले गए थे। और ये कबाब चचा के ना स्ट्रीट के बाहर ही बनने शुरू हुए हैं, स्पेशली इसके लिए हमें बुलाया था चचा ने कि इतने मजे के कबाब इधर से मिलते हैं तो आप लोग आओ इकट्ठे खाना खाते हैं। तो माशाल्लाह सारा खाना बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत मजा आया था। अब बस यहाँ हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।